अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वाल को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे डिसकनेक्ट करते हैं, टॉप ऑफ सेट का क्या मतलब है, बेस ऑफ सेट का क्या मतलब है, और उसके साथ ही हम वाल सेंट्रल लाइन, फिनिश बेस, इंटीरियर एक्सटीरियर ये डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पर जितने भी चीज़ें हमारे साथ आ रही है तो सब के सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे साथ जो आ रहा है वाल सेंटर लाइन, हम जिस वाल पे भी क्लिक करते हैं तो उसके दूसरे साइड पे हमारे साथ डायमेंशन आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ का डायमेंशन चेक करना हो तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर डायमेंशन आ गया। यहाँ पर चेक करना हो तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर चेक करना हो तो यहाँ पर, उसका क्लॉकवाइज हमारे साथ डायमेंशन आ जाएंगे। यहाँ पर चेक करना है तो इसके मुताबिक, लेकिन अगर देखें हम तो इसका इसके जितने भी डायमेंशन है ये हमारे साथ सेंट्रल लाइन पे आ रहे हैं। अगर हम चाहे तो इसको हम मतलब अगर हमने इसको इंटीरियर फेस पे सिलेक्ट करना हो तो हम सबसे पहले जाएंगे मैनेज पे, यहाँ पर हमारे साथ प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पे आएंगे। एडिशनल सेटिंग में टेम्पररी डायमेंशन और यहाँ पर फेसेस और ओपनिंग्स हम क्रिएट कर लेंगे, फेसेस और ओपनिंग। तो अभी हमारे साथ जितने भी डायमेंशंस आ रहे हैं ये हमारे साथ इंटीरियर फेस पे आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम कोई यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ग्राउंड फ्लोर पे है और हमारे साथ एक वॉल है जो कि 2 फीट ऊपर है ग्राउंड से, तो इसको हम बेस ऑफसेट देते हैं। जिस तरह के ये हमारे साथ वॉल है इसको हम बेस से 2 फीट ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देंगे 2 फीट, ये हमारे साथ 2 फीट ऊपर आ गया। इसको अगर हम 2 फीट ऊपर करना चाहते हैं तो ये हमारे साथ आगे 2 फीट ऊपर, ये आप देख रहे हैं हमारे साथ ये 2 फीट ऊपर हो गया। हम वॉल को मटेरियल देते हैं कि हमारे साथ बिल्कुल विजिबल हो। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, हो गया हमारे साथ 2 फीट ऑफसेट, क्योंकि ये मटेरियल बहुत ही अच्छा। ये हमारे साथ हो गया बेस ऑफसेट 2 फीट हमारे साथ ऊपर हो गया। अभी ये हमारे साथ एक पूरा वॉल ऊपर गया 2 फीट, मतलब हमारे साथ ये टोटल वॉल जो था 22 फीट था, अभी 22 फीट से भी 2 फुट ऊपर चले गए। तो इसके लिए अगर हम रूफ प्लेस करें तो ये हमारे साथ ऊपर कभी नहीं जाएगा, कॉपी पेस्ट टू सेकंड फ्लोर, ओके। और इसको हम
अभी हमारे साथ ये वॉल अटैच नहीं है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से अटैच और रूफ को फिर सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे साथ अटैच रूफ को अटैच कर दिया। हमारे साथ बेस ऑफसेट 2 फीट हमने ले लिया और यहाँ पर कनेक्ट है, मतलब यहाँ ऊपर नहीं है। अभी हम इसको देते हैं 2 फीट ऑफसेट टॉप ऑफसेट, फॉर एग्जांपल इसको हम कनेक्ट करते हैं सेकंड फ्लोर के साथ और यहाँ पर हम 2 फीट टॉप, तो इसको हमने बाउंड किया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ पर अटैच किया। इसने अभी 2 फीट ऑफसेट लिया लेकिन ऊपर नहीं जा रहा। अभी इसको अगर हम ऊपर मतलब यहाँ से भी 2 फीट ऊपर जाए तो इसको फिर हम यहाँ से डिटैच करते हैं, हमारे साथ डिटैच हो गया और 2 फीट ऑफसेट टॉप ऑफसेट इसने ले लिया। इसको हम करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और ये सारे हम करते हैं कनेक्ट अटैच टू दिस फ्लोर, हमारे साथ सबके सब कनेक्ट हो गए। अभी हम चाहते हैं कि इस रूप से 2 फीट डाउन वॉल आ जाए, तो ये हमारे साथ किस तरह होगा, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर -2 फीट दे देते हैं, सॉरी ये अटैच है इसको पहले डिटैच करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर जो है सेकंड फ्लोर तक नहीं, ये फर्स्ट फ्लोर तक कर दें क्योंकि हमारे साथ वॉल यहाँ तक है और ये 2 फीट डाउन हो गया। हमारे साथ यहाँ से हमने 2 फीट डाउन करना है, पहले ये हमारे साथ देखो डिसकनेक्ट है। पहले सबसे पहले हमने जब भी वॉल ड्रॉ किया उसका यहाँ पर बेस कंस्ट्रेंट कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक कनेक्ट है, कहाँ तक जाएगा ये वॉल, तो वो हम पहले सेलेक्ट करेंगे कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये वॉल है, ये हम हमारे साथ बेस कंस्ट्रेंट ग्राउंड फ्लोर से जा रहा है फर्स्ट फ्लोर तक, यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर कनेक्ट कर देंगे। और अभी इसको हम 2 फीट फर्स्ट फ्लोर से भी नीचे लेके आना चाहते हैं, तो फिर इस वॉल को हम सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर -2 फीट और डिटैच कर देंगे। पहले डिटैच, देखिए हमारे साथ अनकनेक्टेड है, फर्स्ट फ्लोर तक कनेक्ट कर दें और -2 फीट कर दें। अभी फॉर एग्जांपल हमने ये 2 फीट ड्रा किया, हम इस तरह चाहते हैं कि हमारे साथ ये जो बेस ऑफसेट है 2 फीट और टॉप ऑफसेट है ये हमारे साथ वॉल आ जाए और बीच में ये जो जगह है यहाँ पर हमारे साथ कर्टन वॉल आ जाए, कोई ग्लास आ जाए। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका बेस ऑफसेट और टॉप ऑफसेट ख़त्म करते हैं। ओके, टॉप ऑफसेट बेस ऑफसेट 0 0, टॉप ऑफसेट 0 0, इसका ख़त्म हो गया। अभी हम जाते हैं इसका भी टॉप ऑफसेट 0, बेस ऑफसेट 0 0 0, हमारे साथ सारे ख़त्म हो गए। अभी ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, अभी हम चाहते हैं कि हमारे साथ सेंटर पे ग्लास आ जाए, नीचे 2 फीट वॉल हो और ऊपर 2 फीट वॉल हो, तो इसके लिए हम हमारे साथ सिंपल तरीके वॉल पे जाएंगे। वॉल में हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉप फ्रंट को और यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमने स्टॉप फ्रंट ड्रा कर दिया वॉल के ऊपर ही, स्टॉप फ्रंट का या कर्टन वॉल जो जो भी कहते हैं वो हम वॉल के ऊपर ही ड्रा करेंगे। ये हमारे साथ आ गया कर्टन वॉल, इसको हमने कौन से फ्लोर तक लेके जाना है, हमारे साथ ये किस फ्लोर में है, हमने जिस तरह पहले बताया कि जिस जहाँ से शुरू है और जहाँ पर एंड अप हो रहा है वॉल, तो उसको हम वही लेवल देंगे। ये हमारे साथ ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट है, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट है और टॉप फ्लोर टॉप कंस्ट्रेंट इसका अनकनेक्टेड है, इसको हम कनेक्ट करते हैं फर्स्ट फ्लोर तक। हमारे साथ इस
कर्व आ गया। अब ये हम 2 फीट यहाँ से और 2 फीट यहाँ से वाल और बाकी कर्टन वाल हमारे साथ आ जाए। तो इस यहाँ पर हम वाल को सिलेक्ट करेंगे, हमारे साथ जब बेस अपसेट और टॉप अपसेट आ जाए तभी बाज़ औक़ात हम गलत होते तो हम सिर्फ मूलियंस को सिलेक्ट करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर टॉप अपसेट और बेस अपसेट यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहे तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। ये देख पूरा वाल हमारे साथ सेलेक्ट हो रहा है तो हमने वाल सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमारे साथ बेस अपसेट जो है ये भी 2 फीट देंगे और टॉप अपसेट -2 फीट देंगे। तो हमारे साथ ये हो गया ग्लास और यहाँ पर आ गया हमारे साथ वॉल। इसको फिर हम अटैच करते हैं के साथ, तो हमारे साथ एक प्रॉपर क्रिएट हो जाएगा। अभी इसको एक बार ट्राई करते हैं और फिर लेक्चर को एंड अप करते हैं। यहाँ पर हम देते हैं 2 फीट और यहाँ पर हम देते हैं -2 फीट। ये देख आ गया हमारे साथ। और इसके अलावा ये जो हमारे साथ है कल के लेक्चर में हमने ये कर्टन वॉल्स नहीं पढ़े थे, इसको थोड़ा सा और वीक करते हैं कर्टन वॉल को। ये है हमारे साथ 3 टाइप वॉल। नंबर 1 हमारे साथ कर्टन वॉल, सेकंड हमारे साथ एक एक्सटीरियर ग्लेजिंग, थर्ड हमारे साथ स्टोर फ्रंट। स्टोर फ्रंट में हमारे साथ सिंपल डिफरेंस ये है इसमें कि हमारे साथ होते हैं मूलियंस और इसमें ग्लास, और इस पर हमारे साथ जो है जस्ट कर्टन ग्रिड दिया है, मूलियंस इस पर नहीं है। इसको हम अपने हिसाब के मुताबिक हम अपनी मूलियन ऐड कर सकते हैं, जितनी मूलियन हमें चाहिए, जितना थिकनेस चाहिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। बस जस्ट इतना ओवरव्यू कर लिए, हमारे साथ सिंपल ग्लास की वॉल है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड अप करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर कोई न्यू यूज़र है तो काइंडली हमारे जो प्रीवियस वीडियो है वो सारे आप देख लें, और जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसके साथ कुछ और कमांड ऐड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट।